आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। रोशन मोहल्ला स्थित प्राचीन श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में इन दिनों श्वेतांबर जैन समाज के 8 दिवसीय पर्युषण पर्व चल रहे हैं। इन पर्व में मुंबई से आए अलर्ट यंग ग्रुप के श्रावक जिग्नेश भाई भक्तजनों में प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। रोशन मोहल्ला स्थित प्राचीन श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में इन दिनों श्वेतांबर जैन समाज के 8 दिवसीय पर्युषण पर्व चल रहे हैं। पर्व में मुंबई से आए अलर्ट यंग ग्रुप के श्रावक जिग्नेश भाई भक्तजनों में प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। परिपाटी जब भी होती है यहाँ पे हर साल होती है, ये साल करनी है, संवत्सर के बाद यहाँ अंचल खत्म होगा, वो भी भगवान के चरणों में। मैंने तो यहाँ कल देखा था राजकुमार भाई, ये धूप जो सब लोग सुबह में जलाते हैं, जितने आते धूप बनाते हैं, ये किसके रहते हैं, मंदिर के रहते हैं, घर के रहते हैं। कार्यक्रम में शामिल श्री श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष राजकुमार जैन ने बताया कि 28 पर्वराज पर्युषण व्रत पर्व का श्रावक के जीवन में खासा महत्व होता है। इन 8 दिनों में भक्त अपना पूरा दिन प्रभु भक्ति में लगाते हैं। राजेंद्री महिला मंडल द्वारा ज्ञान चर्चा, जिन धर्म के झंडे का गान, और उसके बाद करोड़पति जिस प्रकार से सीरियल है, उस प्रकार से जिन ज्ञान का सीरियल के रूप के अंदर एक कार्यक्रम होगा जो रात में 8 बजे से 10 बजे तक चलेगा। मेरा सभी जिन अनुयायियों से आग्रह है, अधिक से अधिक संख्या में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए 8 बजे रोशन मोहल्ला हीर विजयसूरी उपाश्रय में उपस्थित हों। देखिए, सीख तो सबसे बड़ी इसके अंदर यही मिल रही है कि हमें नैतिक जीवन अपना कैसे जीना है, हमें अपना और पवित्र जीवन कैसे जीना है, हमें कैसे व्यसनों का त्याग करना है हमें यहाँ पे, और खाने पीने के अंदर क्या हमें संयम रखना है हमें, और अपने जीवन में क्या संयम रखना है हमें, ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी सीख है इसके अंदर जो हर वर्ष हमें सुनने को मिलती है, जिसको हमें सभी लोगों को जीवन में अपनाना चाहिए। भगवान महावीर के अमर संदेशा जियो और जीने दो को अमर संदेशा दिए, और उसी हिसाब से हम पर्युषण महापर्व को जीव दया के रूप से 8 दिन महापर्व को हम मनाते हैं। इस पर्व के अंदर हम धर्म, जप, तप, ये आराधना करते हैं और जीवों के प्रति दया करते हैं, और अहिंसा परम धर्म को मानते हुए आगे हम हर रोज धर्म की प्रभावना करते हैं। इसमें कोई मानतुंग आचार्य बना है, कोई गौतम स्वामी बना है, कोई साधु बना है, कोई सुलसा श्राविका बनी थी। इस प्रकार बच्चों ने, एक कोई बच्चा जल बना था, हमें जल का किस तरह से आजकल हम जल बहा रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जल हमारे लिए कितना आवश्यक है इसका उसने बताया था। इस समय हमें त्याग, मतलब हमें व्रतों के अंदर में ये बताया गया है कि हमें त्याग की भावना रखनी चाहिए, व्रत करने चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो एकासना कर सकते हैं। इस प्रकार जो प्रवचनकर्ता हमारे नितिन भाई आए हैं और जिग्नेश भाई हैं, उन्होंने बताया है कि हमें एकासना करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, अट्ठम की तपस्या करनी चाहिए, और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो इन 8 दिनों के अंदर 60 मालाएं नवकार मंत्र की फेरें। इस प्रकार इस व्रतों को हम अपने तप से और नवकार मंत्र करके इस तरह से सफल बना सकते हैं। पर्युषण पर्व में तीसरे दिन श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में धर्म पर आधारित फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का आयोजन भी किया गया। इसमें बच्चों ने 3 आयु वर्गों में जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भगवानों के जीवन पर आधारित वेशभूषा में प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को लेकर बच्चों में हर्ष का माहौल नजर आया। संदीप शर्मा, सी न्यूज आगरा।